बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल और निगेबान पाकिस्तान, जिसी तरह हमारे फेसबुक भी है। मैं हूं आपका सोना ते मनमोहना खंड दखडोना अगे डैश डैश डैश। सबसे पहले इजहार अफसोस करना, ननकाना में एक शख्स ने बकौल लोगों के, बकौल साद रफीक के कतूरों के, साद रफीक ने साद रिजवी के कतूरों के, इस शख्स ने कुरान शरीफ के बेहरमती की थी। इस वजह से उसको मारा पीटा, पुलिस ले गई, फिर जो था मोब वो चला गया थाने में, वहाँ से निकाल के उसको मारा और जान से मार दिया, फिर उसकी लाश की बेहरमती की और उसके बाद आग लगाने लगे थे। अचानक पुलिस आ गई, जो पहले नहीं थी, थाने से छुड़वा लिया वो उस वक्त नहीं थी। पुलिस बेचारी क्या करे यार, मिली भी होती उसने भी तो उधर ही रहना है। तो उसकी लाश को जो आग लगाने से बचा लिया गया, जब देखा कि अभी तो IMF की टीम हवा में ही है, वो पहुंची नहीं अपने अपने घरों में, तो शहबाज शरीफ ने भी एक्शन ले लिया। ओ ये क्या हो गया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वगैरह वगैरह, एक तो ये बात है। और साके डॉलर ने कहा ये इस वजह से हुआ, ये जो है दुश्मनों ने करवाया ताकि हम जो है ना ये IMF के कर्जा ना हमें मिले। वाह 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 वाह, क्या सुभान अल्लाह, क्या बात करनी, क्या क्या कैसे कैसे दिमाग आए। यही इल्ज़ाम उधर भी लग रहा है, आज पुलवामा की बरसी थी, पुलवामा ओबामा का छोटा भाई है, कश्मीर में जो हुआ था, जो बकौल इंडिया के फैज़ हमीद ने करवाया था, इमरान खान ने करवाया था, बाजवा ने करवाया था, आज फिर उन्होंने हूहूकार मचाई है। उन्होंने कहा हमें सबूत मिल गए हैं, हम UNO में जा रहे हैं, हम यूरोपीय यूनियन में जा रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, तो हम फलाना फलाना जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। ये तो ये बात हो गई, माने बात करनी है चौधरी बरादरान की। उससे पहले एक आपकी तफरी तबाह के लिए एक ट्वीट छोटा सा कर दें। हमारे मुल्क क्या है, मालूम हुआ है अनीक नाजी का है, नज़ीर नाजी का जो है ना गुआंडी का पुत्र, ठीक है जी, ये रावी ब्लॉक में रहते थे, कब्ज़ा इन्होंने किया था, अलमान अलफीज, जो जिस तरह छुड़वाया गया, बस हमारे सदीक साहब थे, चौधरी सदीक थे, राई थे, उनके कोठी पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। मालूम हुआ कि जनरल बाजवा इस वजह से इमरान खान का खाना नहीं खाता था, इसमें जादू मंत्र का शोभा था। इमरान खान घर का ही खाता था, अपने या नौकरों का भी खा लेते, जो आज था वो तो लकड़ हजम पत्थर हजम, मियाँ जी की दाल में वहाँ जाके पूरा बॉल खा गया, पता नहीं टॉयलेट किस तरह ज़्यादा होएगा, चंगी खुराक है अच्छी माशाल्लाह। कायदे आजम जैसे वकील और सियासतदान की बनाई हुई इस एटमी कुव्वत रखने वाली कौमी रियासत के सिपा सलार जादू टोने से डरता है, बाजवे को रगड़ रहा है इसमें। अगर ये सच है तो कादी आजम का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो बगैरत नस्ल के बगैरत कतूरे, तू हर जगह पे बस पाकिस्तान को भूल गया। इसका एक भाई इस वक्त SP है, वो नवाज़ शरीफ ने करवाया था जब ASI भर्ती किए थे ना, ये वो वाला है ASI जो भर्ती किए थे, अब वो SP SSP हो गया है। और ये भी इधर तक है तो क्या खाता घुता रहा, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करता है, ठीक है जी, अब चला गया इंग्लैंड। इससे पूछे भी तूने सालिम के चक्कर में की, बाप तेरा इधर कभी किस TV में होता, कभी किस में, आजकल मरखा दुनिया में है। मैटर कहेगा कोई अल्लाह ताला ने इज्जत उसको दी हुई है, कोई नेकी को कर दी होगी, लेकिन जब हम जानते थे, मैं ज़्यादा देर की बात नहीं कर रहा, वेले लोग मैं ज़्यादा देर की बात नहीं कर रहा, माजी करीब में मोटरसाइकिल पे था, इसको तो मोटरसाइकिल भी नहीं चलानी आती, इसने एक और रिपोर्टर रखा हुआ था, फिर उसके साथ था ये मुजीबुर रहमान शामी, फिर ज़िया शाहिद, ये सारे गैंग वासेपुर गैंगस्टर ग्रुप था, जंग में ही सारे थे।
तो ये बस एक वो जिसने अब नया टीवी चैनल खोला ओसाफ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो खोला, उसमें मोटरसाइकिल पे थे, पूछे भी जो 2006 में मोटरसाइकिल पर था उसके पास इतना बड़ा चैनल कहाँ से आ गया। आफ्ताब इकबाल का बाप मोटरसाइकिल पे था 2085 में, उनके पास इतना बड़ा फार्म हाउस जो मिलियन ट्रिलियन का है, और उसने टीवी चैनल किस तरह बना लिया, फिर खरीद लिया, फिर वगैरह वगैरह, ये बात करें। अब आए जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुद्दे की तरफ आते, इधर उधर चले गए। एक रहीम यार खान में मेल है, उसके पार्टनर कौन कौन है? रोहेल मुनीर, मरियम का दामाद, चौधरी मुनीर, मरियम का कुड़म, एक और मैं नाम जान के नहीं ले रहा, वो फलां बेगम, फिर एक और है फलां बेगम, फिर एक और उसके साथ अली मिल है, वो बनाई है जिसमें मुनस अली अंदर भी रहा नैब केस में, उसमें भी सबका मिनिस्टर अमर चीमा, उस तंजीला अमर चीमा, ये अनवर चीमा जो सरगोधे वाला ना, उसका बेटा था अमर चीमा, तंजीला इसकी भांजी है, दूसरी बहन की, इनकी बहनें भी तो कितनी सारी है। मैं तो वहाँ मेरा मेरी इज्जत करते थे, जाट लोग होते थे इनकी मिल में सारे, शुगर मिल में, पर अल्लाह तरह जो पता नहीं शक्ल है अजय किसी सोना है ना, शाहरुख का सोना, इस वजह से मेरी इज्जत ये करती थी बीबियाँ, ज़ारा सारियाँ बीबियाँ काबज थी उस शुगर मिल के ऊपर। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं, आज चौधरी ने बयान दिया, मैं और इमरान इन जालमों पीडीएम के सामने सीसा पाई दीवार बनी हुई हैं, मैं और इमरान इकट्ठे हैं, इमरान और मैं भाई भाई दिन को, भाई भाई रात को, चार भाई बुला रहा वगैरह। वो उधर गया हुआ है पुर्तगाल, हमारा एक इधर यूट्यूबर है इंग्लैंड में होता था, आफ्ताब काजमी, इस पे भी आता है अक्सर टीवी समा पे भी, और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आता है, अच्छा व्लॉगर है वो, मैं देख रहा था सुबह पहुंचा हुआ था, कह रहा मैं जिसको ना डर की वजह से उसने भी नाम नहीं लिया, भाई लोग डान लोग हैं ना ये, कि मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने खोज लगा लिया, मैं उसी उस फार्म हाउस के बाहर खड़ा होकर व्लॉग कर रहा था पॉलिटिक्स का, लेकिन उसने यही बताया हमें पता, फिर हमने भी फ़ोन खड़काया, तो उसका फिर आज सुबह फ़ोन आया, अब्दुल्ला चौधरी अब्दुल्ला राय लाहौर शाहबाग का रहने वाला, तो मैं कहूँ कोठी जड़ी कहना वही मुनस दी गई, वही जो उसने फार्म हाउस लिया हुआ उधर, सस्ता का गरीब मुल्क है, और थोड़ा सा हटवा ले लो तो वादू। किस तरह मुमकिन है वो जो मिल में थी, जो मौजूदा वजीर आला उसकी बीवी मुनस अली की पार्टनर, एक बात, मौजूदा वजीर आला की बीवी वो अपने सके मामे के पुत्र की पार्टनर है, हाँ जी वो मामे पोपी का रिश्ता है ना, फिर उसी मिल में चौधरी सालक की बीवी पार्टनर है, वो क्या मला है, ये इकट्ठे ही थे, ये गैंग ऑफ वासेपुर इंडिया की फिल्म है, ये पाकिस्तान का गैंग ऑफ वासेपुर गुजरातपुर का है, फलाना टमका। अच्छा जी, फिर परवेज़ अली की अपनी, इनकी कोठी जाके देखे ना, पता नहीं ये कौन सा धंधा करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, वो देखा नहीं, लेकिन हमाद अजहर का हमसाया है, हमाद अजहर है ना, उसके बाप की कोठी थी जुबैर इसकी, क्या मियाँ अजहर की, गार्डन रोड में इछरे वाली नहर के पुल से उतरे खब्बे आदि बगली सड़क के, नहर के ऊपर नहीं, बगली सड़क साथ साथ ही है, कोई 100 मीटर के करीब, उसके साथ तो बादी कोई नहीं, ग्रीन बेल्ट है ना, उसके साथ जो चल रही बेल्ट, वहाँ पे तीसरी या चौथी खब्बियात कोठी है इनकी, डॉक्टर ज़ुबैर भी दिल का होता था वो वहीं, उसकी कोठी पे इन्होंने कब्जा किया, वहाँ मुनस अली के दफ्तर मैं तो जाता रहता था, फिर हमारे बिलाल वैंस साहब हैं उनका ये जगह जाने का, तो उन्होंने मुझे एक ड्यूटी मेरी लगाई हुई थी मुफ्त में, मुफ्त फीस भी ले ला, क्योंकि बिलाल वैंस का वालद जो था ना चौधरी नज़ीर वैंस, मैं उसका मुंशी था, अकाउंटेंट था, CFO था, सब कुछ था मैं, फिर जाता था वहाँ, जैसे चोर अंदर घुसे आप कहते हैं यार लगता
क़यामत वाले दिन मुझे 70 हूरे मिलने हैं तो यहीं हैं, हाफ स्लीव की, और क्या जीनत उनकी नज़र आ रही, पतली पतली सोनी सोनी, स्मार्ट स्मार्ट, खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियाँ इसने रखी हुई हैं वहाँ पे दफ्तर में। हर टेबल पे एक मिलेगी, हर रिसेप्शन मिलेगी, जैसे आप एंटर होंगे आपको वेलकम करेंगी। मैंने नहीं देखा, मैं उनकी किरदार खुशी लड़कियों की नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे ये मिलों का काम है, पर बंदे काउंटर बुढ़े बाबे रखो जो डील करें, ये सोनी सोनी लड़कियाँ इतने रखी हुई। तो बस इसको मिला भी था मैं 2 दफ़ा जाके कोई काम के सिलसिले में। तो ये इनकी बड़कों के ऊपर ना जाना, ये जो बोलते हैं ना इमरान खान, ये इमरान खान को ऐसा लगाएंगे कि इमरान खान हाथ लगा के देखेगा। इमरान को आज तक इतना बड़ा धोखा किसी ने नहीं दिया होगा जितना इन चौधरी जो इमरान खान को देंगे। जब मुंह होता तो इमरान खान के पास चला जाता। ये परवेज लाई अपने शुजात ग्रुप को, तमाम बंदों को टिकट दिलवाएगा। PTI का टिकट समराइए थे सामने, मोहसिन दावड़ जीत सकता था, अली वजीर जीत सकता था अगर PTI के खड़े होते। सेम ऐसे ही वहाँ पे आज़ाद आगे खुले डुल्ले खुला गाओ नंगा ना। ये बहुत बड़े सफोलिए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।